दोस्तों नमस्कार, नए वीडियो में आपका स्वागत है। और अभी जैसे आपने देखा, पणजी का बस स्टैंड है जहां पर अभी मैं खड़ा हूं, और ये यहां का लोकेशन है। अब यहां से हम हमारे होटल को कैसे जा सकते हैं उस पर हम बात करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये देखेंगे आप, जैसे ही बाहर निकलेंगे बस स्टैंड से, तो सामने आपको ये सर्किल एक मिल जाएगा और ऊपर ये अटल सेतु ब्रिज आपको दिखेगा। और यहाँ यदि हम घूम के देखें तो यहाँ ये प्रीपेड टैक्सी का काउंटर बूथ बना हुआ है, और इधर ये पूरा बस स्टैंड है। तो यहाँ से हमें अभी ये जहाँ प्रीपेड टैक्सी का जो बूथ है, इसके साइड में जो रोड जा रहा है, ये मेन रोड जो है सामने का, इस रोड पे हमें आगे चलना है। आप देख लें इसको, सामने गोवा पुलिस का भी आपको बोर्ड दिख जाएगा। इसी रास्ते पे हमें आगे बढ़ना है जहाँ ये गोवा पुलिस का बोर्ड है, उससे हमें और आगे बढ़ना है। और मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, वहाँ तक चलते हैं। आइए, इधर बस स्टैंड से हम चल के आए हैं, तो आप ये लोकेशन देख दीजिए, यहाँ तक हमें आ जाना है। और यहाँ से आप यदि देखेंगे, ये देखिए यहाँ सर्किल है, और सर्किल पे जैसे ये बाइक जा रही है, तो ये इधर हमें नहीं जाना है। ये यहाँ एक मंदिर है, आप देख लें, और इस मंदिर के साथ में जो गली जा रहा है, इसमें हमें आगे बढ़ना है। और यहाँ आप देखेंगे ये सब बाइक खड़ी है यहाँ पे रेंट के लिए। इसी में सामने आपको ये गोवा टूरिस्ट डॉर्मेट्री और यह नंबर भी लिखा हुआ है, ये यहाँ हमें जाना है। और इसको हम और देखेंगे तो आप देखें यहाँ पर ये पेट्रोल पंप का कुछ लगा हुआ है, जो शायद ये पहले पेट्रोल पंप था। हमें इसी में अंदर जाना है, आइए चलते हैं। आपको बेड दिखा देता हूँ, ये देखिए आप, बहुत सारे बेड ऊपर नीचे लगे हुए हैं। आप देखें उधर भी है और इधर भी है। कितने बेड है ये टोटल? ये 50 बेड है। 50 बेडों का ये पूरा डॉर्मेट्री। और इधर पीछे देखेंगे तो वॉशरूम है, कपड़े वगैरह डाल सकते हैं आप यहाँ पर अपना। ट्रैवलर के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। अभी थोड़ा सा अंधेरा है तो पीछे नहीं जाएंगे। और ये डॉर्मेट्री बस स्टैंड के बिल्कुल सामने ही है, पास में ही है। भैया जो यहाँ बैठते हैं इंचार्ज, वो पीछे से ही बोल रहे हैं ये लॉकर है, सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन ठीक है। ये यहाँ पर आपको लॉकर भी मिल जाते हैं, जैसे देखें आप, ये अलग अलग नंबर वाइज आपको लॉकर जो है प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं, चाबी आपको दे दी जाती है, तो आप अपना सामान भी यहाँ रख सकते हैं। और ये देखिए प्लग जगह जगह लगे हुए हैं, प्रेस के लिए व्यवस्था, पूरा यहाँ पर सिस्टम जो है अच्छे से बना हुआ है। और यदि आप महीने के लिए रुकते हैं तो कितना? 4000 में आप महीने के लिए रुक सकते हैं। वैसे एक बेड आपको 400 रुपये रोज़ के हिसाब से मिलता है, लेकिन महीने के लिए रुकेंगे तो सिर्फ 4000 पे करके आप एक महीना रुक सकते हैं। तो उसके हिसाब से कितना, एक दिन का कितना हुआ? 133 एक दिन का होता है, यदि 4000 पे करते हैं आप। तो इस तरह से ये पूरा, और यहाँ का ये रिसेप्शन, पूरा कैमरे लगे हुए हैं देखो, और ये रिसेप्शन का व्यू है आप देख लें। और यहाँ ये पूरी जो कंडीशन टर्म लिखे होते हैं डॉर्मेट्री में, वो सब है यहाँ पर। ये देखिए 3 महीने के लिए सिर्फ 9000 है, ये देख लीजिए नई चीज़, 4000 एक महीने के लिए, 3 महीने के लिए 9000 आप यहाँ रह सकते हैं। तो उस हिसाब से बहुत ही सस्ता आपका हो जाता है। ये चीज़ें यहाँ पर मना है, वो चीज़ें लिख रखी हैं। और ये यहाँ आपको रिसेप्शन मिल जाता है, और ये सामने बाहर का व्यू है, मैं आपको बस स्टैंड से दिखा। तो दोस्तों ये पूरा वीडियो आपने देखा, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यहाँ यदि हमें रुकना हो तो इस डॉर्मेट्री में सिर्फ़ और सिर्फ हम 100 रुपया रोज़ के हिसाब से रुक सकते हैं, यानी 3 महीने का ये लोग 9000 रुपया लेता है, तो रोज़ का 100 रुपया होता है। यदि हम महीने के हिसाब से लेते हैं
तो हमें 4000 महीने में हम रुक सकते हैं। तो उस हिसाब से हम देखें तो रोज़ का हमारा 133 रुपये होता है, और यदि आपको एक दो रोज़ के लिए ही रुकना हो तो आपको 400 रुपये का एक बेड आपको मिलेगा। इस तरह से ये पूरा वीडियो हमने देखा समझा। आपका कोई भी कमेंट हो तो ज़रूर करके बताएं। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।